शासन द्वारा वनों की सुरक्षा के साथ जंगलों का दायरा बढ़ाने के लिए भले ही लाख प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही हरे भरे सागौन व अन्य प्रजातियों के वृक्षों की देखभाल व उनके संरक्षण के लिए मिशन अभियान व योजना के माध्यम से लाख रुपए खर्च करने के साथ जंगलों की सुरक्षा का दायित्व वन विभाग को सौंपा गया है। लेकिन इनकी सुरक्षा को लेकर विभाग का अमला लापरवाह बना हुआ है, जिस कारण आए दिन जंगल से हरे भरे व इमारती सागौन के पेड़ों की अवैध कटाई बदस्तूरती जारी है और वन माफिया सक्रिय भूमिका निभा रहा है। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा जहां वन संरक्षण के लिए पौधारोपण कराया जाता है, वहीं जंगल में वर्षों पुराने प्राकृतिक वृक्षों का जमकर सफाया कराया जा रहा है। इसके साथ ही बिना परियोजना वन विकास निगम में हजारों की संख्या में हरे भरे पेड़ पौधे काट दिए गए, लेकिन पूर्ति के लिए उनके स्थान पर कहां पौधे लगाए जा रहे हैं ये किसी को मालूम नहीं है। सूत्रों के अनुसार वन परिषद अंतर्गत बीएड एरन मिजीपुर रसूलपुर भानगढ़ चंद्रपुर शिकारपुर दरकिला लालबाग जैसे जंगल में सागौन सहित अन्य वृक्षों की कटाई जोरों से हो रही है। सूत्र बताते हैं कि वन विभाग के अनेक वन रक्षक अपने मुख्यालय पर न रहकर सागर से ही अपनी ड्यूटी संभाल रहे हैं और लगता है जंगल में जाने की शायद उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती। वहीं कुछ ऐसे वनकर्मी हैं जो कई दिन तक अपने कार्य क्षेत्र वाले जंगल में नहीं जाते और अपने कर्तव्य के प्रति भी गंभीर दिखाई नहीं देते, जबकि लाखों रुपए की लागत से बनाई गई वन चौकियां वीरान पड़ी हैं। क्षेत्रवासियों ने जंगल की अवैध कटाई पर रोक लगाने की मांग वरिष्ठ अधिकारियों से की है।